Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. साल 2018 में मीटू मूवमेंट के दौरान फिल्म मेकर साजिद खान पर कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसके बाद साजिद को अपने मौजूदा फिल्म प्रोजेक्ट से बाहर होना पड़ा था। अब एक बार फिर से फिल्म मेकर साजिद पर आरोप लग रहे हैं। अब एक मॉडल पाउला ने साजिद खान पर हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी है। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर्स में से एक राजकुमार हिरानी का नाम साल 2018 में मीटू मूवमेंट में आया था। उनकी एक असिस्टेंट डायरेक्टर पर मीटू का आरोप लगाया गया था, जिसे उन्होंने गलत बताया था। इस मामले को ज़्यादा हवा नहीं मिल पाई थी। मीटू कैप्टन के चलते फिल्म मेकर सुभाष घई पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे थे। एक्ट्रेस केट शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा था, सुभाष घई ने उन्हें बर्थडे पार्टी में बुलाया था। केक काटने के बाद सुभाष ने सबके सामने केट से बॉडी मसाज करने के लिए कहा। फिर उसके बाद सुभाष ने एक कमरे में बात करने के लिए बुलाया और ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगे। साल 2014 में एक्ट्रेस गीतिका त्यागी ने सुभाष कपूर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। गीतिका कपूर को थप्पड़ मारने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। ये मामले 2012 के हैं। तनुश्री दत्ता ने डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। तनुश्री ने साल 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उन्होंने उन्हें कपड़े उतार कर इरफान खान के सामने डांस करने को कहा था।